जय सत्यम सिद्धाय नमः। आज मैं आपको बताऊंगा कि जैसे कि हमने पिछली वीडियो भी डाली थी कि जो साधनाएं हैं वो क्या प्रॉब्लम आती हैं, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि मैंने क्या प्रॉब्लम फेस करी और मैंने क्या सीखा। तो मैं आपको ओवरऑल बताता हूं कि मैंने साधना में मेन तो ये सीखा, मैं अभी आपको इसका एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। मैंने ये सीखा कि हमें हर स्टेज पे एक टाइम पर आकर जो आपका बैरियर होता है, माइंड हमारा कहीं ना कहीं बैरियर होता है, तो आपको हर स्टेज पे आकर एक बैरियर को क्रॉस करना पड़ता है, चाहे वो आपका कोई भी चीज़ हो। जब तक उस बैरियर को हम क्रॉस नहीं करेंगे, बैरियर क्रॉस होता है आपका सरेंडर भाव से, जब तक हम उस बैरियर को क्रॉस नहीं करेंगे तब तक हम साधना में आगे नहीं बढ़ सकते। साधना या फिर मैं कहूँ किसी भी चीज़ में आपका डेवलपमेंट नहीं हो सकता। तो पहले मैं बताता हूँ कि मैं गुरु से करीब करीब आज से 6 साल पहले मैं गुरु से जुड़ा था। तो शुरुआत में मैं जब ऐसे ही था, शायद मैं 12th क्लास में था, तो मैं और मेरी मम्मी है वो आए थे। हम केवल और केवल शुरुआत में आए थे अपनी मनोकामना के लिए। हमने गुरु से पूछा, जैसे गुरु जी आपको बता देते हैं सहज भाव से, हमने पूछा और हम अपना चले गए। फिर मैं करीब करीब जितना मेरे को याद है मैं शायद 6 महीने तक मैं गायब रहा था। फिर मैं दोबारा आया तो दोबारा मैं ऐसे ही आके यहाँ पर बैठ जाया करता था। कुछ मैं कार्य कुछ नहीं करता था, ना ही मैं सेवा देता था ना, तब जब तो बहुत दूर की बात है, और ना ही मैं कोई दान वान करता था। तो मैं ऐसे ही आकर बैठ जाता था और गुरुजी की जो सत्संग है उनको भी अपने अनुसार सुनता था, क्योंकि अगर मैं वास्तव में उस टाइम सुनता तो वो मैं उसको अपनी लाइफ में उतारता। तो फिर ऐसे ही एक दिन गुरुजी, तो भाई गुरु तो अपना जो भी शिष्य जो भी भक्त उनके पास आते हैं उनका हमेशा डेवलपमेंट देखते हैं, तो सीधी सी बात है वो आपको समझाएंगे, चाहे वो मैं हूँ चाहे वो कोई भी हो। तो मैं ऐसे ही आकर बैठा हुआ था तो गुरुजी ने उस दिन समझाया कि भाई जब तुम्हारी एज थी तब तो हम उस वक्त में अपनी खेती करके और अपना सारा ध्यान में सब कर लेते थे। अब मुझे वो बहुत बुरा लगा कि भाई मतलब मुझे क्यों बोल दिया ऐसा, मैंने ऐसा क्या। तो फिर जो है मैं एक तरह से जैसे पिछली वीडियो में कवर करा था कि ईगो, हम मैंने क्या करा अपनी ईगो दिखा दी कि मैं मुझको ऐसे भी बोलते, मतलब ऐसे 4 लोग बैठे थे मेरे को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। फिर मैं अपना कुछ दिनों के लिए गायब हो गया। मैं फिर आया, जब मैं फिर आया तो मेरे दिमाग में तो वो सोच चल रही थी कि भाई मेरे को ऐसा कह दिया, मेरे को ऐसा कह दिया और मेरे को ऐसा क्यों कह दिया, जो अक्सर हमारे चलती है अगर हमसे कोई डेवलपमेंट की बात कर देता है। लेकिन मैंने एक खास बात देखी, जब मैं आया तो गुरुजी अपना नॉर्मल थे, मैंने गुरुजी के आशीर्वाद लिए, गुरुजी ने मेरे को आशीर्वाद दिया और गुरुजी अपना नॉर्मल थे, मतलब ऐसा लगा कि कभी मेरे को डांटा ही ना हो। लेकिन मैं अपने मन में वो बात लेकर बैठा था। तो वहाँ से मैंने सीखा कि भाई गुरु जो होते हैं उनका जो देने वाला होता है वो होता है गुरु भाव। वो कभी भी हमें एक तरह से प्रताड़ित नहीं करते, वो ये नहीं सोचते कि भाई मैंने इसको डांटा था अब तो मैं इसको इतना डांट के इतना नीच दिखाऊंगा कि मतलब ये मेरी वाहवाही करे। गुरु कभी नहीं करते, वो आपको केवल एक ज्ञान देते हैं, हमेशा समझाते हैं। तो मैं अपने अंदर एक ईगो लेके बैठा था और मैंने देखा कि भाई गुरु जी तो बिल्कुल शांत हैं। तो वहाँ से फिर क्योंकि गुरु जो है मन पढ़ लेते हैं, तो फिर गुरु जी ने ये देख कर मेरे को सेवा से जोड़ा, मैंने फिर सेवा देनी शुरू करी। और गुरुजी ने मेरे को बताया कि भाई ऐसे जब भी आपको पॉइंट्स आते हैं, मतलब ईगो वाली चीज़ जो होती है, तो आप ध्यान में इसको लेकर सोचा करो। ध्यान का मतलब हम ये समझते हैं कि ध्यान ठीक है, ध्यान वो भी होता है कि हम मंत्र जप कर रहे हैं, अपना जो रही की जाएगा जो भी विधि है हम उस पर ध्यान दे रहे हैं। लेकिन ध्यान ये भी होता है कि जो आपकी इस तरह की जो आपकी गलतियाँ हैं आप उन पर भी ध्यान दो। लेकिन मैं फिर भी क्या कर रहा था, मैं भी जो मैंने जैसा आपको कहा कि एक बैरियर होता है, मैं उस बैरियर को क्रॉस करने के लिए राजी नहीं था। मैं भी ध्यान में ही सोच रहा था, मैं ध्यान में ये नहीं सोच रहा कि उस चीज़ का सोल्यूशन क्या है, कि आखिर जो मेरे को गुरुजी ने समझाया उसका सोल्यूशन क्या है, आखिर गुरुजी ने क्यों कहा कि भाई तुम्हारी एज में हम अपना जितना भी खेती या काम थे वो कर लेते थे, सब ध्यान धारणा भी कर लेते थे, कसरत भी कर लेते थे, लेकिन तुम ऐसे ही बैठे रहते हो। तो मैं उस चीज़ पर नहीं सोच रहा कि आखिर उसमें मैं अपना पॉजिटिव पॉइंट क्या लूँ। मैं केवल केवल ध्यान में ये सोच रहा हूँ कि मेरे से ऐसा नहीं कहना चाहिए था और मेरी तो मतलब 4 लोगों में बेइज्जती कर दी। तो फिर मैंने अपने मैं जो है अपने अनुसार ही अपना ध्यान कर रहा हूँ, अपने अनुसार ही जो एक ईगो है वो जो मेरा बैरियर है दिमाग का, मैं उसको क्रॉस करने के लिए राजी नहीं हूँ। मैं फिर आया लेकिन मैंने एक खास बात देखी, जैसे ही गुरुजी ने मुझे सेवा से जोड़ा वो जो मेरी एक ईगो थी वो अपने आप ही कटनी शुरू हो गई। दूसरा, क्योंकि सेवा से आपकी जितनी भी, जैसे गुरुजी ने खूब बताया सत्संग में भी कि आप सेवा दोगे तो आपकी ईगो होती है वो कटनी शुरू होती है। फिर गुरुजी ने मेरे से फिर कहा कि भाई ध्यान में तुम जो है इस पक्ष को लेकर बैठे हो, ध्यान में ये मत सोचो कि मेरे से क्या कह दिया मेरे से क्या कह दिया, ध्यान में आप केवल इतना उसको पकड़ो कि भाई उसमें जो मेरा कहा उसमें मेरा इंप्रूवमेंट क्या पॉइंट क्या है। तो धीरे धीरे मैंने सेवा ध्यान से मैंने ये वाला बैरियर जो था कि भाई जो गुरुजी बात कह रहे हैं उसमें से हम समझते क्या हैं वो मैंने बैरियर क्रॉस करा। तो फिर मेरे समझ में आया कि भाई गुरुजी ने वो इसलिए कहा था कि तुम जो है ऐसे आके बैठ जाते हो, कुछ काम वाम करते नहीं हो, काम मतलब अपनी पढ़ाई में भी कुछ नहीं उत्तम हो ना अपनी कसरत को लेकर उत्तम हो, बस मेरे पास आके बैठोगे तो आपका जो है डेवलपमेंट होना चाहिए, सीधी सी बात है। तो फिर मैंने ध्यान में उस चीज़ को समझना शुरू करा और मैंने वो जो बैरियर क्रॉस करा। तो ये, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि ये जो बैरियर हमारे क्रॉस होते हैं ये हर किसी के हर चीज़ में केवल और केवल सरेंडर भाव से होते हैं। अगर हम अपने दिमाग को सरेंडर देने के, मतलब अपना जो सोच है उसमें हम सरेंडर देने के लिए तैयार हैं, शुरुआत में हम थोड़ा बहुत सरेंडर देते हैं, तो आपका जो थोड़ा बहुत बैरियर है दिमाग का वो जो, मतलब जो एक बैरियर होता है साधना का वो क्रॉस होता है। तो ये मेरा जो चीज़ थी ये मैंने उसमें से बैरियर क्रॉस करा। फिर क्या हुआ, हम क्या करते थे, हम मतलब कि हमारा जो पूरा परिवार गुरु से जुड़ा हुआ है,
तो हम क्या गुरु जी यहाँ भी आना, जैसे हम कह चुके कि बहु उपासना, बहु उपासना जो है बिल्कुल ठीक नहीं होती, ठीक इन द सेंस आपकी साधना नहीं बढ़ सकती, आपको लाभ मिल जाएगा, आप जो है वैभव ऐश्वर्य वो चीज़, लेकिन आप क्लाइमेक्स नहीं पा सकते। तो हम क्या करते थे, मतलब कि गुरु जी के पास भी आना, यहाँ मंदिर भी जाना, किसी और पंडित जी के पास भी जाना। तो इसी तरीके से अच्छा मैं अपने आप को उस टाइम सोचता था कि भाई मैं थोड़ी ना, मेरे को तो मम्मी लेके जा रही है। तो सच बात तो ये है, अगर मुझको अगर कोई भी लेके जा रहा है मेरे परिवार में कोई भी सही, तो अगर मैं उनसे ये नहीं कह पा रहा कि भाई मुझको नहीं जाना, मैं तो कोई जुड़ा हुआ हूँ, तो मेरी कट्टरता है। कट्टरता ये नहीं होती कि मैं अपने मन में ठान के बैठा हूँ नहीं 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 मैं तो केवल गुरु जी को मानता हूँ और जहाँ मैं हर जगह रहा हूँ, ये कट्टरता नहीं होती। तो फिर ऐसे ही गुरु जी ने मेरे को एक दिन फिर समझाया। तो ऐसी चर्चा चल रही थी, गुरु जी ने कहा कि भाई बहु उपासना, बहु उपासना आखिर क्यों, बहु मतलब कि हम सब चीज़ों को मानते हैं, हम ये सोचते हैं कि इनको भी मानूंगा इनको भी मानूंगा तो सबकी ज़्यादा कृपा आएगी। होता ये है कि एक हम जब बहुतों को पूजा करते हैं तो हमें कुछ नहीं मिलता। तो गुरु जी ने समझाया, हमें समझाया कैसे कि भाई ये अगर आप ये मानते हो कि भाई हम जो है देवी देवताओं की औलाद हैं, तो अब आपके जो मदर फादर हैं वो एक ही हो सकते हैं, कई सारे तो हो नहीं सकते, सीधी सी बात है। दूसरा ये होता है कि हम ये सोचते हैं कि अगर हम सब देवी देवताओं की पूजा करेंगे तो हम पे ज़्यादा कृपा आएगी। हम ये नहीं उतारते ज़िंदगी में कि जिन देवी देवताओं की हम पूजा करते हैं उन्होंने अपने जीवन में क्या करा। आप किसी भी देवी देवता को देखो, उन्होंने अपने जीवन में क्या करा, वो खुद मतलब कि अगर आप रामचंद्र जी को या किसी को भी देखो, कृष्ण जी को भी, तो उनको ही एंड में आके अपने हथियार उठाने पड़े। वो किसी ब्रह्मा विष्णु महेश को याद नहीं कर रहे कि भाई मेरी आके मदद करो, जैसे हम करते हैं कि हम अपने कार्य पर न देके ध्यान, हम केवल भगवान जी के सामने अपना वो दीपक जो भी आप जलाते हैं। हो सकता है बहुत से लोगों को मेरी बात सुनकर ठेस पहुंच रहा हो कि भाई बताओ, मैं भगवान गलत नहीं कह रहा, भगवान अपनी जगह बिल्कुल सही है। हम जिस प्रकार उनको पूछते हैं, हमने क्या, हमने अपने जीवन में एक डिपेंडेंसी बना दी है, हमें हर काम के लिए भगवान पर डिपेंड होना है। अगर मान लीजिए मेरे घर में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो मैं उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन न लेके मुझे भगवान जी के सामने प्रेयर करनी है। भगवान काम करते हैं जब आप सेवा, अपनी जो ध्यान है, अगर मान लो किसी भगवान को देखते हो तो उन्होंने भी ध्यान करा, उन्होंने भी अपनी घोर तपस्या करी, जब जाके वो इस लेवल पर पहुँचे। अगर आप भी अपना ध्यान करते हो तब उनकी जो कृपा वो कहते हैं तब आती है, ऐसे कुछ नहीं होता। क्योंकि अगर ऐसे होना होता तो भाई सब पूजा कर रहे हैं, सब एक से एक सारे भगवान के पास जा रहे हैं, सबके पास कृपा आनी चाहिए थी। तो गुरु जी ने इसी को लेकर समझाया, फिर मेरे समझ में आया, लेकिन फिर भी वो बैरियर जो होता है उसको क्रॉस करने में टाइम लगता है। थोड़ा टाइम मुझे लगा, लेकिन फिर भी मैंने ये बैरियर क्रॉस करा। मैंने केवल और केवल जो गुरु मंत्र है, जो हमारा गुरु मंत्र सत्यम सिद्धाय नमः, और जो हमारी रही क्रिया योग है, जो गुरुजी ने रही क्रिया योग ध्यान विधि बनाई है, उसके अलावा मैंने सब करना बंद कर दिया। तो ये मेरा दूसरा बैरियर था जो साधना के वक्त आता है। क्योंकि होता क्या है कि अगर आप किसी को भी देखो, हम शुरुआत में कहीं ना कहीं, क्योंकि हमारे घर में ये परंपरा नहीं है, जब हमारे घर में और गुरुजी से हम जुड़ना ही चाहते, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे अनुसार वो, जो मैंने बताया आपको ईगो वाला पॉइंट, तो सबके घर में क्या होता है, शुरुआत से हम देखते हैं देवी देवताओं की पूजा, कि घर वाले भी वो अपनी धूपबत्ती जला रहे हैं और सबके सामने पूजा कर रहे हैं कि मेरा ये हो जाए मेरा हो जाए। हम क्या करते हैं, मैं फिर कह रहा हूँ आप डिपेंडेंट हैं, हम अपने आप को इंडिपेंडेंट नहीं बनाना चाहते। परिणाम क्या होता है कि हम किसी भी फील्ड में बहुत आगे नहीं बढ़ पाते, बहुत सीधी सी बात है, हम जो क्लाइमैक्स होता है किसी भी फील्ड का वो नहीं पा पाते। तो फिर गुरु जी ने समझाया, फिर मैंने उसको समझना शुरू करा, और अब जो है केवल केवल मतलब अब स्थिति यह है कि मैं केवल और केवल अपना जो गुरु मंत्र है सत्यम सिद्धान में उसका जप करता हूँ। हम सब गुरु भाई जितने भी बैठे हुए हैं सब जो सत्यम सिद्धान में का मंत्र जप करते हैं और रही क्रिया करते हैं। किसी भी प्रकार की देवी देवता को हम कहते हैं उनकी पूजा नहीं करते, वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमें उनसे ये सीखना चाहिए कि भाई उन्होंने भी घोर तपस्या करके ही अपनी जो है डेवलपमेंट करा था। और शायद किसी को लग रहा हो कि यहाँ पर हम बहुत ऐसा प्राउड, हम ऐसा प्राउड नहीं, हम केवल और केवल एक सीख ले रहे हैं, और जितने भी हमसे जुड़े हुए लोग हैं वो भी जो साधना के पक्ष पर हैं, तो उन्हें भी हम ये सीख देना चाहते हैं कि भाई आपको भी जो हमारी वीडियोस हैं उनके माध्यम से आप सीखें कि हम क्या सिखाना चाह रहे हैं, और हम भी कुछ सीखते हैं। हम ये नहीं कि हम आपको केवल उपदेश दे रहे हैं, वीडियो के माध्यम से हम भी सीखते हैं कि हमने जो बैरियर क्रॉस करे तो आगे वाले टाइम पर भी हमें और भी ऐसे बैरियर आएंगे, क्योंकि माइंड एक बैरियर है, सच बात तो ये है, वो और वो जो बैरियर है वो ध्यान से ही खत्म होता है। तो हम भी इस तरह हम सीख रहे हैं, हमको यहाँ पे एक बहुत वो नहीं बैठे सिद्ध नहीं है, हम भी एक बहुत अपने जो है सही लेवल के साधक हैं, तो हम भी सीखते हैं और इससे आप भी सीखिए। फिर क्या था, मैंने ये दूसरा बैरियर क्रॉस करा। अब क्या हुआ था कि मैं जैसे जैसे अपना आगे बढ़ने लगा, गुरुजी की कृपा से मेरे को अपने करियर में भी अपना उन्नति मिलने लगी, मेरे ध्यान धारणा बढ़ने लगे। फिर मैंने क्या करा, मैं अक्सर अपना जो ध्यान धारणा करते हैं तो ध्यान से आपकी एनर्जी बॉडी में, अपनी जो शुद्धि होती है बॉडी की, आपके अंदर एनर्जी पैदा शुरू होती है। मैंने करा था, जैसे मेरे दोस्त थे और मेरे से कोई अपनी दो दोस्त भी जुड़ी हुई थी, मैंने उनमें ध्यान करना शुरू करा बिना गुरु आज्ञा के। ये हम करते हैं गलती, यहाँ क्या करते हैं, हम अपनी जो बुद्धि चलाते हैं वो अपने अनुसार चलाते हैं। मैंने क्या करा, बिना गुरु आज्ञा के उनमें ध्यान कर दिया। नतीजा क्या हुआ, मेरी जो एनर्जी वो ख़त्म हो गई, मेरे को ऐसा खालीपन सा महसूस होने लगा, और जो है अजीब सा एक डर टाइप का सा, मैंने डर नहीं कहूँगा, मतलब एक खालीपन सा महसूस होने लगा, मतलब मेरे को जो ध्यान है मेरा उसमें मन नहीं लग रहा, मतलब मेरे को चिड़न सी आने लगी, हर पॉइंट पे इरिटेशन सी
आने लगी, मैं खुद सा महसूस नहीं कर रहा था, जो मेरा ध्यान चल रहा था मेरी उस चीज़ों पर नज़र नहीं गई कि मैं आखिर करके क्या बैठा हूँ, लेकिन जो मेरे ध्यान में एक अच्छी एनर्जी थी, जो मेरी कंसंट्रेशन पावर थी, जो मैं अपना पढ़ाई में लगाया करता था, तो वो सब मेरी एक तरह से ख़त्म हो गई। मेरा मन नहीं लग रहा, मैं चिड़चिड़ा सा हो गया। फिर मैं अचानक से उस टाइम देखा कि मेरी उस टाइम तो कुछ तबीयत भी ख़राब हो गई थी। तो फिर मैं अपना घर पे आया था, फिर मैं गुरुजी के पास आया, तो गुरुजी को मैंने ऐसे सब बताया, मन से नहीं लग रहा। फिर गुरुजी ने पढ़ लिया कि भाई एक बात बताओ, साधक को अपना एनर्जी अपना अच्छा आया, ध्यान कर रहे हो, लेकिन ये क्या होता है, आपने बिना गुरु आज्ञा किया आपने अपनी मर्जी से किसी और में ध्यान कर दिया। तो गुरुजी ने बताया कि भाई देखो, मान लो अगर मैं भी शक्तिपात करता हूँ तो शक्तिपात क्या होता है, वो केवल मैं जब करता हूँ जब मुझे दिखता है कि भाई शिष्य की जो आध्यात्मिक उन्नति है वो होनी है, मतलब कि अगर वो ध्यानी है। तो अगर आप भी किसी में ध्यान करते हो तो पहले वो ध्यानी होना चाहिए, मतलब आप अगर वो ध्यानी नहीं है तो उस आपकी एनर्जी पी जाएगा, आपकी एनर्जी पी जाएगा, तो जो उसके जितने भी सारे जो उसकी नेगेटिविटी है वो आप में आ जाएगी। तो मैंने ये भी सीखा कि भाई बिना गुरु आज्ञा के अपनी बुद्धि नहीं हमें चलानी चाहिए, हमेशा जो गुरु आज्ञा लेनी चाहिए, फिर हमें जो भी अपना काम है वो करना चाहिए, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। अगर आप गुरु से जुड़े हैं और खासकर से अगर आपका आध्यात्मिक पक्ष है, तो बिना गुरु आज्ञा के हमें कोई काम करना ही चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि हम बिना गुरु आज्ञा काम कर देते हैं, हमें फिर ऐसी चीज़ें आती हैं, तो हम क्या है, हम जो गुरु का ज्ञान है या फिर जो भी हम ध्यान विधि करते हैं, हम उसको दोष देते हैं कि भाई उसमें कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, फिर वो ख़राब है। हम ये नहीं देखते कि भाई हम क्या करके बैठे हैं, क्योंकि ध्यान का मतलब ये भी होता है कि अपने आप को वॉच करो, वो हम करना ही चाहते। तो फिर मैंने ये भी सीखा कि ये जो एक बैरियर होता है कि हम जो आज्ञा नहीं लेते, हम अपने आप में ही सब चीज़ करना चाहते हैं, हम ये सोचते हैं कि भाई मैं तो परफेक्ट हूँ, मेरे को किसी की राय की क्या ज़रूरत। तो मैंने ये भी सीखा कि भाई अगर आप गुरु से जुड़े हुए हैं और ये आध्यात्मिक जो भी चीज़ें हैं, तो आपको हमेशा गुरुजी से डिस्कस करनी चाहिए, आध्यात्मिक नहीं। अगर कोई आपको लगता है कि मैं इस पॉइंट में कमज़ोर हूँ या फिर मेरे को ये पॉइंट है, तो आपको एक्स वाई जेड जो भी पॉइंट हो आपको अपने गुरुजी से हमेशा डिस्कस करना चाहिए। और इसी से जुड़ा एक और में है कि मतलब बिना गुरु आज्ञा के होता क्या है कि जैसे हम अपनी जैसे उम्र हमारी बढ़ती है तो हमारे जो हॉर्मोन्स है वो सीक्रेट होने शुरू होते हैं, उसमें क्या करते हैं, हम इधर उधर दिमाग मारते हैं। जो आजकल का प्रचलित ब्रह्मचर्य है, ब्रह्मचर्य का मतलब केवल एक बता रखा है, आप लंगोटा बांध लो, अपने इंद्रिय का दमन कर लो, और उसके अलावा जो भी आपका टॉपिक है आप उसके बारे में ना सोचो। तो हम उसी तरीके से क्या करते हैं, हम अपना एक स्ट्रेस पैदा कर लेते हैं, और वही जैसे मैं बता रहा था कि बिना गुरु से डिस्कशन करें अपने आप ही सब चीज़ करते हैं। तो फिर गुरुजी ने अपनी गुरु से डिस्कशन हुआ, तो गुरुजी ने असली मतलब बताया कि असली मतलब ब्रह्मचर्य क्या होता है। तो जैसे मैंने पूछा नहीं, गुरुजी ये ब्रह्मचर्य होता है मतलब असली मतलब क्या होता है, तो फिर गुरुजी ने मेरे को जवाब दिया, ब्रह्मचर्य ये नहीं होता, ब्रह्मचर्य के दो मार्ग होते हैं। पहला होता है कि या तो आप जो आपका टॉपिक मतलब जो आपसे अपोजिट सेक्स है, चाहे अगर मेल हैं तो आप फीमेल के बारे में, या फिर जो आप फीमेल हैं तो मेल के बारे में, या तो आपका एक होता है कि आप उसके बारे में सोचो मत नेचुरली, ये नहीं कि आप ज़बरदस्ती उसको दमन करके बैठ गए, नेचुरली आपका ये कि भाई मेरे को इस रास्ते में जाना नहीं है। दूसरा होता है ध्यान, वहाँ भी है, दूसरा होता है कि भाई मेरे को आगे जाके घरग्रस्त करना है, मेरे की जो लाइफ है वो जीनी है, लेकिन ध्यान वहाँ भी रखना है। तो ब्रह्मचर्य का ये मतलब होता है, ये मतलब नहीं होता कि केवल आपने इंद्रिय दमन कर लो, सोचो मत और दवाई खा लो, ये नहीं होता। तो मैंने एक जो ब्रह्मचर्य का असली मतलब होता है वो भी अपने गुरु ने सीखा, जो पूरे विश्व में कहीं नहीं है। और जैसा कि मैंने कहा कि सरेंडर भाव, अब बहुतों को ये भी लगता है कि भाई सरेंडर करते ऐसा होता है कि मैं किसी का गुलाम तो नहीं हो गया, या फिर किसी और की छाप मेरे पर लग रही है कि भाई जो मेरे बोलने का तरीका है या फिर जैसा भी मेरे जो व्यक्ति जो मेरी पर्सनैलिटी दिखती है वो कहीं ना कहीं उनसे मैच करती है। देखो ये तो ऐसा है कि मतलब कि अगर आप में कहीं ना कहीं कोई वृत्ति दिखती है, मतलब अगर आप में कोई ऐसी चीज़ दिखती है जो आपके गुरु से मैच करती है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो आप ये समझ लो कि आपके जो भाग्य हैं वो खुल गए, तो इसमें कोई वो वाली चीज़ नहीं होती। हाँ, अगर ये कि मान लिया कोई अभिनेता है, आप किसी अदर पर्सनैलिटी से इंप्रेस हैं, तो अगर आप उसमें इंप्रूवमेंट नहीं सीखते, आप केवल उसको कॉपी करते हैं, जैसे कि एक्टर होते हैं हम वो अक्सर कॉपी करते हैं कि उसके बाल की स्टाइल ये आ गई, वैसे चश्मा पहनता है, नहीं वो नहीं। अगर आप गुरु की कोई पर्सन मतलब आपको लोग कहते हैं कि जैसे कहते हैं कि भाई तुम तो उनकी तरह बोलते हो, जैसे वो बोलते हैं वैसे ही तुम बोलते हो, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप में एक जो गुरु की वृत्ति है, मतलब जो एक गुरु की तो बराबरी नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आप में जो एक सुधार आना शुरू हो गया, जो भी उनका पक्ष है आप उनसे जुड़ रहे हो, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। इसमें कोई एक वो वाली बात नहीं होती कि भाई मैं तो किसी का गुलाम, वो बिल्कुल चीज़ नहीं होती। तो ये भी एक बैरियर होता है दिमाग का, ये जो क्रॉस करना पड़ता है आपको। और देखिए ये भी है कि हम कहीं ना कहीं ज़िंदगी में एक परफेक्शन को ढूंढते हैं, हम चाहते हैं कि अपनी लाइफ का जो क्लाइमैक्स हो उसको अचीव करें, तो भाई गुरु ही तो वो हैं जो 16 कलाओं में माहिर हैं, तो वही तो परफेक्शन है। दूसरा ये होता है कि गुरु से केवल जैसे मैं बता रहा था भाई डिस्कशन करना चाहिए, हमें हर पॉइंट पर उनसे बात करनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि गुरु कि जो होते हैं वो आपको एक तो आपका डेवलपमेंट और दूसरा आपको ज्ञान के पक्ष पे देखते हैं, वो कभी आपको जो बात होती है उसके पक्ष पे नहीं तोलते, वो केवल आपको ज्ञान देते हैं। तोलते तो वो क्या है, तोलना तो बहुत एक छोटा वर्ड हो गया, लेकिन वो आपको एक ज्ञान दिखाते हैं, वो केवल आपको जो आपका एक इम्प्रूवमेंट है उसकी ओर लेके जाते हैं। तो मैंने अभी
कुछ पॉइंट कवर कर रहे हैं, आगे आने वाले वीडियोस में और भी पॉइंट कवर करूंगा क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि भाई ये जो हमारे कुछ बैरियर्स होते हैं, पहला बैरियर कि एक तो हम ईगो वाला, दूसरा होता है कि हम अपने बहु उपासना, हमें केवल अगर एक है तो हमें एक को साधना चाहिए, साधना इन द सेंस कि हम ये ना करें उन्हीं की पूजा करने लग जाएं, हमें जो उनके जीवन में ज्ञान है उसको अपने जीवन में उतारना चाहिए। सीधी सी बात, जो अपना तपस्या हमको वो करनी चाहिए, जो ध्यान धारणा है वो करना चाहिए, एक अपना जो है डिपेंडेंट ना हो जाए हम। तीसरा ये कि बिना गुरु आज्ञा के हमें अपनी बुद्धि नहीं चलानी चाहिए। चौथा ये कि अगर आप ब्रह्मचर्य साध रहे हैं तो ब्रह्मचर्य का असली अर्थ जान लें। पांचवा ये कि ये ना सोचें कि अगर मैं सरेंडर करता हूँ तो मेरे पे छाप लगेगी, छाप नहीं होती, वो आप जिस आइडियल को ढूंढते हैं भाई वो आइडियल गुरु ही है। तो मेरे हिसाब से आपको सारे पॉइंट समझ में आए होंगे, और भी जो सीख मैंने लिए मैं वो भी कवर करूँगा। तो मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में। जय सत्य ओम सिद्धाय नमः।